नमस्कार भाई, स्वागत है। कल एक आपने घटना देखी किस तरह से एक युवक हमारे जम्मू का जो शान है, जो यूट्यूबर हैं जिनके मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, और हमारे पीछे आप देख रहे हैं गोल्डन बटन और सिल्वर बटन इनसे नवाजा गया है यूट्यूब के माध्यम से, और कहीं ना कहीं जनता इन्हें पसंद करती है। यानी ये बताना चाहेंगे, पंजाब पुलिस ने इन्हें किडनैप करने की कोशिश की, वो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के परिसर से, और वहीं पर उसके साथ ही इनके पिताजी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया, और उसके बाद यानी कि इन्हें गाड़ी में डालकर ब्लैक वेपन भी पड़ा हुआ था, जो वहाँ के अपने आप को अधिकारी बता रहे थे पंजाब पुलिस के, वो सिविल में थे, और जो ही इन्हें ले जाया जा रहा था रास्ते में विजयपुर में, अगर बात करें तो ये ज़रूर कहेंगे वेल्डन SHO विजयपुर ज़हीर मनाज जी है, उनकी टीम ने उन्होंने तीव्रता दिखाई और कहीं ना कहीं समझदारी से इस मामले को वहीं तक रखा, अन्यथा निखिल जराल को कहां ले जाते, क्या होता उसके साथ ही कोई नहीं जानता। आखिर क्या हुई वजह कि पंजाब पुलिस दो बार नहीं तीन बार इनके यहां पर आई है, क्योंकि निखिल जराल वो हैं जो सच अपने YouTube के माध्यम से सामने आते, जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की दुखती रख पर हाथ रखता है जो छुपाना चाहते हैं समाज से कि व्हाइट कॉलर के अंदर वो क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। कुछ देर पहले की अगर बात करें तो एक प्रोफेसर थी LPU यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने एक समुदाय के लिए, विशेष धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया था, उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। उसके बाद अगर बात करें, कुछ दिन पहले हमने भी अपडेट दिया था, अगर एक महीना पहले की बात करें तो यही वो थे निखिल जराल जिन्होंने LPU यूनिवर्सिटी के साथ ही एक देह व्यापार का जो धंधा चल रहा था, जहां पर बाहर से भी लड़कियां आती थी और कुछ गर्ल्स जो यूनिवर्सिटी थी वो भी कहीं ना कहीं मुलविस पाई गई थी, क्योंकि बाहर से जो लड़की वहां पढ़ने के लिए आती थी वो इस तरह के कारनामे में मुलविस थी, तो वो उस चीज को भी इन्होंने एक्सपोज किया था। हो सकता है इसी वजह से कहीं ना कहीं वो खुन्नस, वो अंदरूनी जो रंजिश थी वो निकाली जा रही थी, क्योंकि उन्हें सत्य सामने लाया था और कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। चलिए इस समय बात करते हैं, हम हमारे साथ निखिल जराल है, कितनी परेशानी का इन्हें सामना करना पड़ा। निखिल, आखिर सबसे पहले तो हम ये कहेंगे शुक्र है भगवान का, आप सुरक्षित है, हमारे डोगरों ने कल एकता दिखाई है, कई संगठन सामने आए, और साथ ही साथ ये कहेंगे राजन सिंह हैप्पी भी वहां पर थे, बजरंग दल के जो युवा थे वो भी वहां पर थे, यानी सबने एकता दिखाई, तो आज आप सुरक्षित अपने घर में हैं। अगर अन्यथा वो ना दिखाते एकता, तो शायद आपके साथ क्या होता है हम भी नहीं जानते। पूरी बात क्या हुई थी, क्यों आपके पीछे पंजाब पुलिस यहां तक पहुंचाई? एक्चुअली हुआ ये कि मैंने अपनी जो डिग्री है ना वो LPU से की है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, तो मैं 21 पास आउट हूँ 2021 जी। तो मेरी कॉन्वोकेशन अब हो रही है क्योंकि कोविड था जी। तो अब ये हुआ है कि मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि जो वहाँ के मतलब जो स्टूडेंट एरिया है ना, जो एकदम LPU के बाहर है, वहाँ पे जो नाइजीरिया वगैरह जो अफ्रीकन कंट्रीज के LPU के स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पे मतलब प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चल रहा था, और ये भी नहीं कि 10-12 लड़कियाँ हों वहाँ पे, मतलब आप लगा लो 60-70 लड़कियाँ सिर्फ मेरे को ऑन स्पॉट दिखी थी उस चौक पे। तो इसलिए फिर मेरे को लगा कि यार, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स भी कंप्लेन कर रहे थे, जो मेरी बहनें थी जो जम्मू की लड़कियां हैं, जो जूनियर्स, क्योंकि वहाँ पे जम्मू का मैक्सिमम 40% स्टूडेंट जम्मू का है, तो मैं भी जम्मू का मैं भी वहाँ पढ़ा हुआ हूँ, तो लड़कियों ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मतलब ये प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चल रहा है, तो जो भी लोकल्स आते हैं जिनको इंटरेस्ट है इन सब में, तो वो हमको हमारा रेट पूछते हैं दिन दहाड़े, वो मतलब हमारे साथ छेड़छाड़ी करते हैं, मतलब गंदी हरकतें करते हैं, तो यार इसके लिए तो कुछ कर सकता है? तो मैं तो पास आउट था, मेरे पास डिग्री आ गई थी, तो मुझे लगा कि आवाज़ उठानी चाहिए, क्यों नहीं उठाऊं मैं, मुझे किसी चीज़ का डर है? बिल्कुल, मेरे पास एक सोर्स भी है, मेरे पास यूट्यूब है मेरा रावण वो जी। हाँ जी, तो उन्होंने प्रभु श्री राम जी के लिए बोला था और रावण को गुड बोला था, तो उस चीज़ के लिए भी मैंने यूनिवर्सिटी पे प्रेशर डाला था, मतलब जैसे हमने मेल्स कराए थे, 5,000 मेल कराए थे हमने, कॉल्स करवाए थे, मतलब यूनिवर्सिटी पे प्रेशराइज किया कि इसको सस्पेंड करो। बिल्कुल, तो मैं पहुंचा तो एक तरफ से इनको उस चीज़ की भी मेरे पे खुंदक थी कि मैंने ये चीज़ कराई थी। फिर उसके बाद अब ये वाली चीज़ हुई, ठीक है, तो इसमें ये हुआ कि मैंने इनका मतलब वीडियो शब्द बना के मैंने लड़कियों का इंटरव्यू भी ले लिया, मतलब अपने दोस्तों को बेच के मैंने उनसे रेट भी पूछवा दिया, मतलब ऑन कैमरा मैंने स्टिंग कर दिया, मतलब मेरा मतलब पूरा मैंने प्रॉपर जो मीडिया को करना चाहिए वो मैंने कर दिया, जो पंजाब को करना चाहिए था पंजाब मीडिया को। फिर उसके बाद जो रात को 2-2 बजे वहाँ ठेके चल रहे हैं, मतलब ठेकों का ही टाइम होता है, अगर हमारे जम्मू में 9 बजे बंद हो रही है तो पंजाब में 11 बजे या 12 बजे तक का ही टाइम होगा, वहाँ पर रात को 2-2 बजे भी ठेके खुले हुए हैं और शराब मिल रही है, और स्टूडेंट एरिया में 1 किलोमीटर का स्टूडेंट एरिया लवली वैष्णो के गेट के बाहर, और वहाँ 1 किलोमीटर के रेडार में 5 ठेके है, जो कि स्टूडेंट एरिया, वहाँ पे 5 ठेकों का क्या सेंस बनती है? और इस चीज़ को भी मैंने एक्सपोज कर दिया। अब उसके बाद मैं घर आया, मैंने वीडियो अपलोड की, वीडियो अच्छी रीच पकड़ लिया, मतलब लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा था, वो खबर हमने भी की थी अपने चैनल के, सबने की थी मीडिया ने, अब सबने इस न्यूज़ कवर कर दी।
अब एलपीयू पे इतना प्रेशर था क्योंकि ये एडमिशन का पीक टाइम है, ट्वेल्थ के एग्जाम्स हुए हैं, बच्चे पास हुए, अब उनको एडमिशन चाहिए तो इनका पीक टाइम है। तो अब मेरे पे इन्होंने एफआईआर की है, ठीक है, एफआईआर पे मेरा नाम नहीं है, मेरे चैनल का नाम नहीं है, किसी और के ऊपर एफआईआर करके ये मुझे पकड़ने आया है। और इन्होंने एफआईआर पे रीजन दिया हुआ है 295 लगाया हुआ है, रीजनल जो रिलीजियस अगर आप हेटर फैला रहे हो, और उस पर लिखा हुआ कि मैंने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला। अगर इन्होंने मेरा चैनल देखा होता ना तो ये गलती कभी नहीं करते, क्योंकि मेरा काम ही हिंदुओं के ऊपर है। मतलब मैंने हमेशा, मेरा चैनल ग्रो ही हिंदुइज्म के ऊपर हुआ है, क्योंकि मैं खुद हिंदू, मैं हमेशा हिंदुओं का ही आवाज़ उठाता हूँ। तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की। अब ये मेरे घर आए, ठीक है, इन्होंने मेरे को ढूंढा, मैं घर पर नहीं था, मैं वैष्णो देवी गया था, मेरे घर वालों ने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे पंजाब पुलिस आई है, कोई तेरा नाम नहीं, एफआईआर भी तेरे को अरेस्ट करके लेके जाएंगे। मतलब मेरे घर वालों को धमकी दी, कहते इसको हम उठा के लेके जाएंगे, कोई माइकल आने जमा जो हमें रोक सकते। पंजाब पुलिस ने, ये पंजाब पुलिस ने मतलब ऑन रिकॉर्ड मेरे घर पर बोला, मेरे घर वालों से आप विटनेस से पूछ सकते हो। अब उसके बाद मैं घर नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था मैं अगर आऊंगा मुझे ले जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा था अपने लॉयर से कंसल्ट करने की, जो मुझे बोल रहे थे अगर तेरा नाम नहीं है एफआईआर पे, हम बेल किस चीज़ की ले, बेल तो फिर ये हो गया ना कि तू मतलब इन्वॉल्व है तो हम बेल ले, तो इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा था। तो उसके बाद ही फिर से आए, फिर मुझे हुआ कि अब मुझे करना चाहिए। कल की बात है, ये पहले की बात है, ये हफ्ते पहले की बात है। फिर अब ये तीन दिन पहले ये फिर से आए थे, अब तीन दिन पहले ये आए हैं, तो इन्होंने 41A का नोटिस मेरे को दिया। इन्होंने मेरे पापा से उस दिन जब ये आए थे हफ्ते पहले, इन्होंने साइन करा दिया था पंजाबी में लिखा के कि निखिल इन्वॉल्व है, क्योंकि इनको पता चल गया एफआईआर पे इसका नाम नहीं है कुछ भी। पर पापा को नहीं पता चला कि पापा पंजाबी में था, पापा को कैसे पता होगा, उन्होंने बस बोला कि ये हमारा प्रोसीजर होता है आपको साइन करना है। अब वहां पे इन्होंने लगा दिया कि 41A नोटिस में इन्होंने लगा दिया कि हाँ निखिल इन्वॉल्व है, जो कि एफआईआर में कहीं भी नहीं था। अब उसके बाद ये लोग दो दिन पहले फिर से आए थे, ठीक है, तो 41A का नोटिस इन्होंने दिया, उस पर मेंशन था कि 16 को मैंने पंजाब जाना है और इंक्वायरी में मैंने पार्ट लेना है जी। और मैं तैयार था उसके लिए, मैं बेल लेने गया कोर्ट कल, कल सुबह मैं कोर्ट गया कि मैं बेल लूंगा फिर मैं पंजाब जाऊंगा ताकि मुझे पंजाब पुलिस अरेस्ट ना करे, मैं कुछ ना आंसर उनके मतलब आंसर करने जाऊंगा। अब मैं जैसे ही कोर्ट में पहुंचा, ये लोग बाहर आ गए, पता नहीं कहां से इनको कैसे बचना, मेरा पीछा करते हुए आए, इन्होंने मेरे को उठा लिया पापा वहां। आप अपने छन्नी से घर से, आप छन्नी से मैं कोर्ट में गया बेल लेने, पीछे आपको पता ये मेरा फॉलो कर रहे थे, इन्होंने मुझे खुद गाड़ी में बताया बाद में, तो ये मुझे फॉलो कर रहे थे। इन्होंने मेरे को वहां पे मतलब मैं बैठा हुआ था, अचानक से आया, कहता हां भाई निखिल, तो इसने ऐसे जेब में पीछे हाथ डाला, फिर दूसरा भाग के आए, पांचों एक साथ आ गए इकट्ठे, तो एक ने मेरा शोल्डर पकड़ लिया कोर्ट में गेट के बाहर, मतलब जैसी जो शॉप थी ना वहां पे, तो एक ने यहां से पकड़ा, एक ने यहां से पकड़ा, एक ने जेब में हाथ डाल दिया, एक ने बेल्ट से खींच रहा है, और मेरा फोन खींचने की कोशिश कर रहे थे, मेरा फोन कहते फोन छीन, तो मुझे पता था ये फोन के पीछे की वीडियो यहीं से डिलीट होगी सब कुछ इसमें, तो मैंने पापा को पकड़ा, मैंने कहा साइड हो जाओ। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे घसीटा बिछा गाड़ी में डाला, फिर मेरे को लेके जाने लगे। अब मैंने पापा ने क्या किया, मेरे दोस्तों को बता दिया। अब हमारा काम हिंदुइज्म के लिए है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हिंदू है सबको सपोर्ट करे। अब गौरक्षक जो है, गौरक्षक दल है, बजरंग दल है, सबसे हमारी अच्छी बनती है, क्योंकि हम उनको सपोर्ट करते हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है हम उनके साथ खड़े होते हैं। अब उन तक बात पहुंच गई कि निखिल को उठा के पंजाब पुलिस लेके जा रही है, उठा के मतलब किडनैप किया इन्होंने मेरे को, इन्होंने किसी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म नहीं किया, जम्मू की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, बिल्कुल इन्होंने जाने, तो ऐसा जो प्रावधान रहता है किया जाता है स्थानीय जो पुलिस स्टेशन हो, पुलिस चौकी होता है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जानीपुर पुलिस स्टेशन में भी कुछ नहीं बताया, इन्होंने मेरे को उठाया सीधा लेके जाने लगे। और जब एयरपोर्ट इन्होंने क्रॉस किया, इन्होंने तब पुलिस को फोन किया छन्नी वाले कि हाँ भाई हमने आपका लड़का उठा लिया, अब हम लेके जा रहे हैं, और कुछ उनको बोलने नहीं दिया, फोन कट कर दिया कि अपना प्रोसीजर हमारा हो गया। फिर ये जाने लगे। अब विजयपुर वाले लड़के ने, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो विजयपुर के लड़के हैं, ठीक है, तो स्पेशली मेरे हिंदू भाई है, उन्होंने इनको वहाँ पे रोक लिया, ठीक है। तो उस बंदे ने जो SHO है, जब हमारे बंदे आ गए, इसने गोली निकाल ली SHO, जो कि वर्दी में भी नहीं था, गाड़ी भी इनकी पुलिस की नहीं थी, मतलब सिविल गाड़ी थी, और बंदा जो SHO था वो भी पजामे वो उसमें मतलब ट्रैक सूट पहना हुआ था, तो उसने गोली निकाली और उसने उसके ऊपर रख दी कि बंद कर दरवाजा, हम इसको लेके जा रहे हैं, तुम नहीं रोक सकते। जो लड़के वहाँ विजयपुर में थे, जो लड़के मेरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने गोली तान दी, ठीक है। तो पहले तो जब ये मेरे को लेके जा रहे थे ना, इनको इतने फोन आ रहे थे, इनको मैं नाम नहीं लूंगा किसने फोन किया, क्योंकि मेरे पे वो हो सकता है, पर इनके जो बड़े बड़े अफसर है ना, सबसे बड़े बड़े अफसर, उनके इनको फोन आ रहे थे कि क्या रिपोर्ट है, तो ये खुश होकर सियासी लोग भी मतलब बहुत लोगों के फोन है, आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे फोन आते हैं आपको मतलब आधे घंटे में आएगा या 15 मिनट के बाद आएगा, इनको हर 2 मिनट में फोन आ रहा है क्या रिपोर्ट है, और ये सीधा बोल रहे हैं कि हाँ जी सर पकड़ लिया, पीछे बैठा है, हम आ रहे, बस तैयारी रखो। अब उसके बाद जब ये मेरे को लेके जा रहे थे, तो इसने गोली निकाल ली, जो लड़के मेरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इनके गोली रख दी, वो सिर्फ उसको बोल रहे थे वारंट शो कर थाने में, बता कि तेरे पास वो है कंसल, क्योंकि उनको हो रहा था कि किडनैप करके लेके जा रहे हैं, जहां तक उनकी खबर पहुंची है। तो अब इसने क्या किया, वारंट है, हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे करके गोली निकाल दी इसने। अब लोकल, अब जम्मू के लोग इतने तो बेवकूफ है नहीं कि तुम उनको गोली दिखाओगे वो शांत रहेंगे। इन्होंने गोली दिखाई, हमारे लड़के भी इनके ऊपर चढ़ गए कि तुमने गोली कैसे दिखाई, तुमने गोली कैसे निकाली, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है।
अब ये प्रेशराइज हो गए, अब उन्होंने हवा में निकाल दी हमारे लड़कों ने कि गाड़ी आगे ना जा पे, उन्होंने हवा निकाल दी। तो अब हमारी वाली जेएन की पुलिस आई, मैंने इनको वही बोला कि मेरे को यहाँ के थाने पे ले चलो, वहाँ पे जाके हम बात करते हैं। सारी बात विजयपुर में हुई, जब विजयपुर पहुंचे में हुई है, विजयपुर में हुई है। तो अगर नहीं रोकी जाती गाड़ी या वहाँ के लोग बच्चे लड़के ना आ गए थे तो फिर ये पता नहीं होता। इनके जो अफसर थे बड़े वाले, वो इनको बोल रहे थे फोन करके कि खाना भी मत खाना, जम्मू में गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, लखनपुर टपो, मतलब लखनपुर क्रॉस करो। अच्छा, बस ये तो आपको सुना फोन में बात जो हो रही थी, सामने तो थे सब गाड़ी में बात कर रहे थे, मुझे समझ चल रहा था। फिर उसके बाद हंस रहे थे कि पंजाब पुलिस के बहुत बड़े हाथ होते हैं, ऐसे ऐसे मजाक में कि तेरे को पकड़ लिया, ऐसे ऐसे करके मजाक बना रहे थे। फिर उसके बाद जैसे ही हम थाने, हाँ फिर जैसे ही हम, मेरे को निकाला, जे एन के पुलिस आई, उन्होंने मेरे को रेस्क्यू किया, और विजयपुर की जो पुलिस है ऑन स्पॉट वो सब आए, उनकी टीम आई है, तो उन्होंने मेरे को थाने में पहुंचाया और इनको फिर अलग रूम में रखा। और फिर उसके बाद जितने भी हमारे बजरंग दल हो गया, युवा राजपूत सभा हो गया, फिर आरएसएस हो गया, मतलब हर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पहुंची है और उन्होंने मेरे सपोर्ट में खड़े हुए थे। जी जी। और फिर इनकी हालत ख़राब हुई, फिर पंजाब से इनके अफसर थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, पर वो भी पंजाब का मतलब डीएसपी या फिर एसएसपी है मेरे ख्याल से, वो खुद आया पंजाब से, एक घंटे या दो घंटे के अंदर वो आ गया। ये कैसे पॉसिबल है कि वो इतनी जल्दी हमारे वहाँ पहुँच गया, कि आगे पीछे वो लखनपुर पर ही मेरा वेट कर रहे थे कि ये लड़का क्रॉस करे और इसको हम गाड़ी चेंज कराए। अब उस गाड़ी के अंदर जो इनकी गाड़ी थी, जो एसएसपी जो भी था, मुझे नहीं पता, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, वो पुलिस का जो था, पंजाब पुलिस का था, जो बड़ा अफसर आया था, उसकी गाड़ी में तलवार थी, वो मुझे नहीं पता। देखिए हमने पीछे, हाँ मैं अंदर था, मुझे कुछ नहीं पता। अब जो मैंने वीडियोस देखी है उसमें तलवार भी दिख रही है। वो बाद में जो हमारे लड़के थे उन्होंने बोला कि ये गाड़ी तलवार कैसे है, फिर उन्होंने जल्दी से गाड़ी भगाई है वहाँ से और थाने के अंदर घुसाई है। ये सारा षड्यंत्र क्यों, मतलब है क्या पीछे का कारण, के कौन लोग हैं ये? जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, ये वीडियो जो मैंने डाली है एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ, लवली प्रेस यूनिवर्सिटी, सही बताया जो सच हो रहा है आपने। उसका जो मालिक है ना, वो एक बहुत पावरफुल बंदा है, वो एक एमपी है, पार्टी से आम आदमी पार्टी का एमपी है, वो भी राज्यसभा का, उसकी अपनी यूनिवर्सिटी है, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी उसकी है, और वो आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, एमपी है, वो राज्यसभा की छोटी बात। तो चेहरा ही बेनकाब कर दिया, तो तभी तो आपके पीछे के दुखती रख पर हाथ रखा। देखिए मैं डरता नहीं हूँ, सामने आई है, मैंने पहले भी बोला मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो में सबूत है, सब कुछ है। अब मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि आम आदमी पार्टी का कोई बंदा है, मेरे को पता है जो अशोक मित्तल है, मैं नाम भी ले रहा हूँ, अशोक मित्तल एमपी है, उसी ने किया है, मेरे को पूरी पूरी गारंटी, सारा उसी की तर्ज पे हुआ है, उसी की तर्ज पे हुआ है, वरना इतनी पावर किसी पुलिस पे नहीं है कि 41A के नोटिस पे, 41A का नोटिस होता है कि मेरे से इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी के लिए आप मेरे को तीन बार आप मेरे को उठाने आ रहे हो, कितना प्रेशर है आपके ऊपर। तो ये तो सीधे सीधा पॉलिटिकल एक्शन के मानी हुई यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में नाम है एलपीयू, तो इस तरह के जो अंदर काम हो रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, जो लड़कियों के माध्यम से हो रहे हैं, या इस तरह के सेक्स रैकेट चल रहा है, या आपने जिस तरह से कहा भद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये सच दिखाया है आपने, तो इसमें यानी आज के दौर में अगर सच दिखाएंगे, इसी तरह से लोग जो इन्फ्लुएंशियल, यानी कि एक पार्टी है जो बड़े बड़े दावे करती है, केजरीवाल हैं जो इनके मुखिया ही हम कहेंगे, तो जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी यानी अनुशासनिक पार्टी है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, तो आज कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल उठे हैं, बड़े सारे उठे हैं। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं आज परेशानी है, आपके माता पिता बड़े घबराए होंगे, खतरा है आपको, क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार अगर हमारे जम्मू के लोग या हमारी जम्मू की पुलिस इंटरवीन ना करती, पल भर की पलक छपने की देर थी, आप पता नहीं कहाँ होते कहानी, जिस तरह से हमें पूरी वीडियोज देखे हैं, जो हमारे पास खबरें आई जो आप बता रहे हैं। देखिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि पंजाब पुलिस तक ये बात पहुंचे, पंजाब के गवर्नमेंट को, जो भगवत मान बोलता था कि मैं ड्रग्स के खिलाफ हूँ, मैं ख़त्म कर दूंगा, तो मुझे था मैं ये वीडियो बना के उसकी मदद करूंगा, उसको इन्फॉर्म करूंगा कि ये सब हो रहा है तेरे पंजाब में, तो तू एक्शन ले। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे एक्शन लेने की जगह मेरे घर पहुँच गए, मेरे को और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर इस तरह की चीज़ें हों, अगर वहाँ की हमारे युवक या युवतियाँ इसमें शामिल हों, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मेरा मेन गोल यही था कि जब मैंने अपनी बहनों से बात की, जो मेरी जम्मू की बहनें हैं, मैं अपने जम्मू के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी जम्मू की लड़कियों ने मेरे को बोला है कि देख निखिल यार ऐसे ऐसे हो रहा है, हमें टीज किया जाता है, ईव टीजिंग हो रही है, हमारी लड़के हमें छेड़ रहे हैं, हमसे रेट पूछ रहे हैं, यार अगर मेरी बहनों का कोई रेट पूछेगा मैं एक्शन नहीं लूँगा, मैं फिर से लेने को तैयार हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। अब आपकी डिग्री खत्म हो चुकी है? मेरी डिग्री हो चुकी है, बीबीए की थी मैंने, तो मेरे पास दोबारा कहीं जाने का बात तो नहीं, जाने का कुछ नहीं है, लेकिन मैं जा भी नहीं सकता हूँ, ये मुझे पता है। बिल्कुल, क्या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की पुलिस के आला अधिकारियों से, और खास करके पंजाब की सरकार से क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि केस आप चेक करो, आप खुद चेक करो, मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे 100% अश्योरेंस दो कि मेरी सेफ्टी पे आप पूरा
आप रखोगे कि मैं, मुझे कुछ नहीं होगा अगर मैं निकलता हूँ, अगर मैं पुलिस थाने से बाहर निकलता हूँ तो क्या गारंटी है कि मुझे गोली कोई नहीं मारेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे ठेके वालों के ऊपर कितना बड़ा एक्शन लिया है, वहाँ का बिजनेस जो प्रोस्टिट्यूशन का वो बंद किया है, इतनी बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है उनके साथ मैंने सीधा सीधा पंगा लिया है, तो मेरी जो सिक्योरिटी है उसको कौन अश्योर करेगा। तो मेरे को बस वो चाहिए कि आप ये केस खत्म करके दिखाओ, इस केस को खत्म करो, क्योंकि मेरा केस नहीं बनता है, तो इस केस को खत्म करो, मेरी बस ये डिमांड है। बाकी अगर कोर्ट में जाना हो या फिर कुछ भी करना हो मैं तैयार हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी मेरे को लॉयरों को फीस देनी पड़ रही है, इतना इतना खर्चा करना पड़ रहा है, तो मुझे वो भी तैयार हूँ मैं करना, बस ये केस खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा ना नाम है ना मेरा चैनल का नाम है, बस मेरे को परेशान करने के लिए केस बनाया गया है। ये थे हमारे साथ निखिल जरान, जो कल की पूरा जो घटना क्रम हुआ वो हमने आपके समक्ष रखा कि किस तरह से पंजाब पुलिस पर भी कहीं ना कहीं दबाव होगा, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या मंत्रीगण बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सियासत से जुड़े लोग हैं, यानी आज के दौर में जो सच दिखाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा। कहीं ना कहीं पंजाब सरकार जो सीएम है पंजाब के भगवत मान जी से, उनसे भी कहेंगे सर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप इंसाफ की बात करते हो, आप कहते हो ड्रग्स को ख़त्म करेंगे, अच्छे कार्य की आप अपने बखान करते हो, पर एक जम्मू का हमारा भाई हमारा बेटा जिसने आवाज़ उठाई है कि कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी में वो केंद्र का यानी कि ये कहेंगे शिक्षा का केंद्र जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही और किसी के कानों कान भी खबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सामने लाया है, कई सारी बच्चियों की ज़िंदगी को बचाया, उनकी असमत को बचाया, जिस तरह वाइन शॉप पर इन्होंने इस तरह की चीज़ें, ये तो चीज़ें आपकी सरकार ने करनी चाहिए, सरकार की सरकार में बैठे हुए लोगों ने करनी चाहिए, अधिकारियों ने करनी चाहिए, विभागों ने करनी चाहिए, वो इस भाई ने करके दिखाई हैं, तो इस पर इस तरह से गाज गिर रही है, इस तरह से परेशान किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी सुरक्षा का ध्यान अब जम्मू कश्मीर पुलिस को भी लेना चाहिए, आला अधिकारियों को, और कहीं ना कहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और ये भी कहना चाहिए कि जो जिस केस में ज़बरदस्ती निखिल जराल को फंसाया जा रहा है, इसे बीच में लाया जा रहा है, उस केस को भी ख़त्म करें, ताकि ऐसे लोगों का ऐसे युवाओं का कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है, ऐसे युवाओं का जो अच्छा करते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे दो कदम पीछे हो जाते हैं। तो ये मिसाल है कि निखिल जरार आज भी कह रहे हैं मैं अपनी बेटी बहनों के लिए कल भी खड़ा था आज भी खड़ा हूं, उनके साथ गलत नहीं होने देंगे, अगर एक केंद्र शिक्षा के केंद्र में इस तरह की चीजें हो तो हम चुपचाप देखते रहे तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारे जम्मू की जो पुलिस आला अधिकारी किस तरह से इस चीज को लेंगे, पर ये जरूर कहेंगे कि जो विजयपुर के हमारे SHO जहीर मनास उनकी पूरी टीम को वो बधाई के पात्र, आज हर बच्चे बच्चे की हर जम्मू के डोगरों की जुबान पर उनका नाम है, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई, अगर वो ना वहां पर रोकते ना पंजाब पुलिस को ना निखिल को पुलिस स्टेशन अपने वहां पर विजयपुर पुलिस स्टेशन में लेके जाते तो न जाने आज निखिल कहां पर होता। आप खुद सोचिए जिस घर के बेटे हैं जिस माँ के बच्चे जिस माँ बाप के पिता बच्चे हैं उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, जिनके बच्चों को लगातार पंजाब पुलिस रेकी करती है यहां पर आकर और चुपके से हमारे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में के परिसर में जाकर इन्हें किस तरह से दबोचने का प्रयास करती है, ये बड़े अफसोस की बात है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब हमें एक होना है इस लड़ाई के खिलाफ, एक होना है, एक साथ होकर लड़ना है, तभी हम किसी को इंसाफ दिला पाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।